आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने भीतर की ओर अपनी राह ले वहीं। मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे भीतर के अंधेरों को विदा कर ले वहीं। अंधकार बहुत घना है, अंधेरा बहुत घना है भीतर की गगन गुफा में, परंतु तेरे जागने मात्र से सब विदा हो जाता है। तेरा जागरण, तेरी होश, तेरी स्टेट ऑफ अवेयरनेस एकमात्र इतना ही काफी है। तुम जागे रहना, वही वही देखना जो हो रहा है, जो भीतर की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होता है उसी प्रोजेक्शन को देखते रहना। केवल देखने मात्र से तो दधिप्यमान हो सकता है, केवल जागने मात्र से जीवन ज्योत जगमगा सकती है। केवल अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में लौटते ही तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो जाते हो। तुम तमाम सुखों का, खुशियों का, आनंद का, मस्ती का शिखर हो जाते हो। तुम्हारे जागने मात्र से बहुत प्रफुल्लता, बहुत सफुरना, बहुत पुलकित जीवन की आभा खिल उठती है। तुम स्वयं अनुभव करना, अपनी इंप्रूवमेंट, अपने सुधार के लिए तुम स्वयं लगातार अपनी ओर बने रहना। जितना अधिक तुम अपनी ओर, अपने जागे में, अपनी होश में रहोगे, उतना अधिक ये माइंड अपना खेल शांत करता चला जाएगा। मन माया का विस्तार कम होता चला जाएगा। अगर ज्यादा भी होगा तो भी तुम एंजॉय करना। हर एक स्थिति अपनी अपनी है, हर एक का हालात अपना अपना है, हर एक का अनुभव अपना अपना, ये इंडिविजुअल मामला है। जैसी भी हालात, जैसी भी स्थिति बने, आप उसको जागे जागे देखते रहना। एकमात्र जागना, जागना ही जीवन है। जैसे बाहर की ओर जागे हो, ऐसे अपनी ओर जागे रहना। जितना अधिक जागे रहोगे उतनी ही माइंड्स पावर्स, डेट इज फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन पावर, फिटनेस पावर, कंटेम्पलेशन पावर, थिंकिंग पावर, ऑल माइंड्स पावर्स, पर्टिकुलरली स्ट्रांग विल पावर तेरे हाथ लगेगी। ये तमाम माइंड्स पावर्स तेरे हाथ चली आती हैं जब तुम थोड़े जागने लगते हो। तेरी अपनी है, माइंड के साथ जुड़ते ही, माइंड के साथ आइडेंटिफाइड होते ही ये सब माइंड के हाथ में चली गई है। वाह, कमजोर करता चला जाता है इन क्वालिटीज को, दबाता चला जाता है, वो इनको अंधेरों में फेंकता चला जाता है। ध्यान का ध्यान रखना, शीघ्र अति शीघ्र अपनी ओर प्रवेश करना, अपनी जीवन दिशा संभालना, वो दिशा जिसमें जीवन जगमगाता है, वो डायरेक्शन जिसमें तो डिवाइन होके आता है। धन्य धन्य वो जीवन जो अपने अंधेरों को दूर करने की महान क्षमता को, प्राथमिकता को, प्यास को जगमगाता है। सर्वप्रथम अपने अंधेरे विदा कर लेना। धन्य धन्य हो जाओगे, दुनिया को देने लायक हो जाओगे। जागे रहना, पल पल जागे रहना, वही देखना जो हो रहा है। देखने का अवसर मिला है, देखते चले जाना। वही देखना जो हो रहा है, केवल वही देखना जो स्वतः हो रहा है, अपने आप जो घटित हो रहा है, अपने आप उतर रहा है, भले वो अंधेरा ही हो, सन्नाटा हो, आपका कोई सरोकार नहीं उससे। आपने तो केवल देखना है। कोई कैसी भी घटना आए, कोई कैसा भी हालात बने, कोई कैसा भी ख्याल आए, कोई कैसा भी विचार उतरे, कोई किसी प्रकार की भी स्थिति बने,
आप अपने स्वभाव में रहना, यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, तुम जागे जागे देखते रहना, उन सब हालात को, स्थितियों को देखते रहना, पल पल बदलते माइंड को देखते रहना, तुम देखने वाले, दृष्टा साक्षी अकर्ता हो, तुम अपने स्वभाव में रहना। हर जीव जंतु पशु पक्षी, हर एक कीट पतंगा, हर एक पेड़ पौधा अपने स्वभाव में है, एकमात्र इंसान अपने स्वभाव में नहीं है। जो अपने स्वभाव में उतर जाते हैं वह चांद की तरह जगमगा उठते हैं। वो चांदनी की छटा में चाहो और मिठास पूरन रस पूरन होकर के गुजरते हैं। अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस, लौटा लेना जो माइंड के हाथ लगी है, माइंड के साथ आइडेंटिफाइड हुई है, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन के कारण हम अपना आप भूले हैं, इस भूल को सुधार लेना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपनी सुरती संभालना, पुनः पुनः अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड होते चले जाने देना। आप तनिक मात्र भी कछु क्रिया नहीं करना, कोई भी कोशिश नहीं करना, कोई कर्म नहीं कमाना, आप अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना। माइंड इज ए डूअर, इसकी डूइंग्स को देखते रहना। हर पल हर क्षण हर मोमेंट बदल रहा है, इसकी सारी की सारी फैलती हुई माया को देखते रहना। जागी रहना, एकमात्र जागरूकता अवेयरनेस तेरी सारी ऊर्जा को, तेरी सारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता चला जाएगा, ऊर्ध्वगामिनी होने लगेगी। हर एक क्वालिटी, हर गुण, सदगुण तेरे भीतर पनपता चला जाएगा। यू विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव, फुल ऑफ ग्लैमर। बार बार लौटते चले आना, अंधेरों में खो ना जाना, विचारों में खो ना जाना, कहीं लॉस्ट ना होना, कहीं इंडल्ज ना होना। जो भी आ रहा है उसको विदा होने देना। तुम जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में, एक न्यूट्रल एनर्जी के रूप में, नॉन डूअर एंटिटी के रूप में देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर ए विटनेस, यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी। अपना स्वभाव नहीं भूलना, स्वाभाविक स्थिति में रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष रहना। ओंकार आमीन आमीन। जागिए इसी जन्म में, बन सचेतन आत्मा। जागिए इसी जन्म में, बन सचेतन आत्मा। खोलो चक्षु ध्यान के, खोलो चक्षु ध्यान के, तुमको मिलेंगे परमात्मा। खोलो चक्षु ध्यान के, तुमको मिलेंगे परमात्मा। जागी थोड़ा, जागी अब
तो जागी हुण ता जागी जागी इसी जन्म में कुर्बान होने वाले हो फिदा परवानी तू महफिल में जगी सुरती शमा जागी इसी जन्म में बन सचेतन आत्मा किसी जन्म
कदम चूमती है। चांदनी राहों पे बिखरी विराट बना है रहनुमा, चांदनी राहों पे बिखरी चांदनी राहों पे बिखरी खुद विराट बना है रहनुमा, चांदनी राहों पे बिखरी। खुद विराट बना है रहनुमा, जागी अब तो जागी, अब तो जागी इसी जन्म में मन सचेतन आत्मा, जागी इसी जन्म में। जागी हैं छोटी छोटी आयु में ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक, लवकुश जैसे बालक। गुरु कृपा से, गुरु की करुणा निधि नजर से क्या गजब जगमगाए हैं छोटी छोटी आयु में नानक गोविंद। छोटी छोटी आयु में क्या गजब जगमगाए हैं। स्वयं भक्तराज प्रहलाद छोटा सा बालक, 6-7 वर्ष का बालक, अपने ही महलों में कितना कष्ट भोगता है, कितने प्रहार, कितने संकट, कितने कष्ट उतारता है। अहंकारी अभिमानी राक्षस वृत्ति वाला बाप हरणाक्षी को सारे की सारी धरती का बादशाह सम्राट, अपनी इकलौती संतान, इकलौते पुत्र को अपने अनुसार चलाने के लिए उसने क्या नहीं किया, कौन सी कठोरता नहीं अपनाई। परंतु अरे वाह, दीवाने प्रभु के प्यासे रिंद छोटी सी आयु में प्रहलाद, तूने प्रहार के बदले में प्रहार नहीं किया, तूने तो अपनी प्यास को जगाया, अपनी प्यास को, अपने प्रेम को, अपने ध्यान को तूने इस तरह से पनपाया कि कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी प्रहार, कोई भी किसी प्रकार की कठोरता तेरे को छू तक ना पाई, मिटा ना पाई। एक ही आंगन में दोनों, एक राक्षस वृत्ति वाला और एक इंसानियत मानवता का जगमगाता नूर, नूरो नूर बालक ने क्या गजब कर डाला। एक ही आंगन में दो प्रकार के स्वभाव पल पर और एक दूसरे के प्रति कोई किसी प्रकार का भी संघर्ष नहीं है, वो अपना पूरा पूरा ताकत लगा रहा है और ये अपनी पूरी पूरी ताकत लगा रहा है। ये इसकी सारी ताकत लग रही है एकमात्र सच्चित आनंद को पाने की, उसकी सारी ताकत लग रही है प्रहलाद को परमात्मा से हटाने की। आखिर कौन, कब, कहां, कैसे, इतना डिटरमिन्ड माइंड, इतना संकल्पवान बालक,
इतना प्यास से ओतप्रोत, प्रभु प्रेम से ओतप्रोत, निरंतर श्वास प्रति श्वास मालिक का होकर के जीने वाला, छोटी सी आयु में कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है वो? एक बात, भगवत्ता की डिविनिटी की यूनिवर्सिटी में अपने मालिक अपने मुर्शिद की यादों में डूबी हुई, उसके प्यार प्रेम मोहब्बत में डूबी हुई वो एक जगमगाती शिखा प्यास की, जिसने उसको इतनी बड़ी ताकत को फेस करने का साहस और हिम्मत दे दिया। एक तरफ राक्षस पिता माइंड के रूप में खड़ा है और एक तरफ गुरुदेव नारद मुनि मुनिदेव मास्टर के रूप में खड़े हैं। उसकी सिंसारिटी, माता पिता को कह दिया प्रहलाद ने, आपने जन्म दिया आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, मैं आपके प्रति पूर्ण पूर्ण कृतज्ञ रहूंगा, किंतु घर तुमने गलत दिशा पकड़ी है, घर तुमने अमानवीय दिशा पकड़ी है, अगर मानवता के खिलाफ उसके विपरीत चलने की दिशा पकड़ी है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मेरा थर्मामीटर कहता है, मेरे अंतस का थर्मामीटर कहता है कि पिताश्री आपकी दिशा ठीक नहीं है, अहंकार अभिमान अस्मिता का अंधेरा ठीक नहीं है, ये ज्यादा देर तक नहीं चलता, मुझे आप इन अंधेरों में लपेटने की कोशिश मत करिएगा। मैं जागरण हो सुरती की जगमगाती मूर्ति नूरो नूर होकर के आया हूं, अब मुझे आप किसी भी प्रकार के अंधेरे में मुझे मेरी मेडिटेशन से, मेरे ध्यान से, मेरी सुरति से हटा नहीं सकते, मुझे आप अपने अंधेरों में लपेट नहीं सकते, मैं आपकी संतान ठहरा, मैं आपके साथ हूं, गर मानवता और इंसानियत का जामा पहन के चलते हो आप, अगर आप प्रभु की और परमात्मा की और विराट की ओर उन्मुख होकर के रहते हो और उसके दिए हुए वरदान को सही इस्तेमाल करते हो प्रजा की भलाई के लिए, तो मैं जान कुर्बान कर दूंगा अपने पिताश्री पर, किंतु अगर आप मुझे उसी दिशा में लगाना चाहते हो जो दिशा तुम्हारी सही नहीं है, जो गलत दिशा में उतरी हुई जिंदगी मेरे को भी उसी तरह से चलाना चाहती है, वाह रे वाह, छोटे से बालक प्रहलाद, भक्ति का महान जगमगाता नूर, प्रभु प्रेम का, प्रभु प्यास का, प्रभु ध्यान का जगमगाता नूर, छोटा सा बालक अपने शिखरों को जगमगाने वाला, शिखरों का मालिक अपना बाप, हर नक्षिपु को चैलेंज दे दिया, चेतावनी दे दिया, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। वाह रे वाह, गुरु कृपा ने कमाल कर दिया, गुरु कृपा की महान शक्ति ने प्रहलाद को भगवान बना दिया, भगवत्ता का रूप बना दिया, स्वयं परमात्म शक्ति जिसकी रक्षा के लिए उतर आए, स्वयं विराट जिसकी रक्षा के लिए उतर आए, उसे क्या प्रवाह है, जिसने सच्चाई का साथ दिया, आत्मा का साथ दिया, अपनी आत्मा को कलुषित नहीं होने दिया, अपनी आत्मा को जगमगाए रखा, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए स्वयं विराट उतरता है। पिता के अहंकारी अभिमानी अंधेरों से ओतप्रोत शिखरों को बहुत मौन पूर्वक शांत भाव से शांति का महान जगमगाता अस्तित्व होकर के चैलेंज दे दिया, कोई शस्त्र नहीं उठाया, किंतु चारों युगों में आबाद हो गया। आप परमात्मा के विपरीत, प्रभु के विपरीत उनको पीठ देकर के अहंकारी अभिमानी होकर के चलने वाले पिताश्री,
आपकी मर्जी है, आपका चुनाव है, आपकी चॉइस है, किंतु मैं फिर भी प्रार्थना रत होकर के कहता हूँ ये दिशा गलत है, इस दिशा में मृत्यु ही मृत्यु है, बर्बादी ही बर्बादी है। तू छोटा मुंह बड़ी बात करता है, मैं जरूर छोटा हूँ किंतु बात भी बड़ी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं छोटा सा हूँ, मेरी हर बात आपको छोटी लगेगी, किंतु मैं सच कह रहा हूँ कि कम से कम मैं साथ देने वाला नहीं हूँ। चाहे सारी प्रजा तेरा साथ दवाए, मैं तुझे साथ नहीं दूंगा, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। ये विजडम, ये प्रूडेंस, ये विवेक कहाँ से आया छोटे से बालक में? जन्मों जन्मों की कमाई से नहीं, इस जन्मों जन्मों की कमाई को जगाने वाले गुरु कृपा से आया। रोशनी अंतस में भर ले, ध्यान की, प्रेम की, सेवा की साधना। रोशनी अंतस में भर ले मन के पर्दों को उठा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे। तेरे द्वारे प्रभु पधारे मन की पलकों को उठा, चांदनी राहों पे बिखरी चांदनी राहों पे बिखरी खुद विराट बना है रहनुमा, खुद विराट बना है रहनुमा। जागी फिर तो जागी, अब तो जागी, इसी जन्म में बन जा सचेतन आत्मा। जागी इसी जन्म में हो जा सचेतन आत्मा।